दोस्तों आज मैं आपको फन विद मैग्नेट के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट कैन पुश और पुल थिंग्स विदाउट टचिंग देम। मैग्नेट चीजों को खींचता और धकेलता है बगैर हाथ लगाए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में बताता हूँ। मैग्नेट्स की बहुत सी टाइप्स होते हैं, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। अब मैं आपको मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ मैग्नेट चिपकता है। फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील, आयरन और स्टील के साथ मैग्नेट चिपकता है। अब मैं आपको नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ मैग्नेट नहीं चिपकता। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टिकर, मैंने इसे स्टिकर के साथ चिपकाया, ये इसके साथ नहीं चिपका क्योंकि इसमें आयरन और स्टील नहीं है। आयरन और स्टील के अलावा मैग्नेट किसी और मटेरियल के साथ नहीं चिपकेगा। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूँ। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इनविजिबल होती है, उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनविजिबल फोर्स में जैसे ही कोई आयरन या स्टील की चीज़ आती है वो उसे फौरन से खींच लेती है। लेकिन अगर आयरन और स्टील की चीज़ के अलावा कोई और चीज़ आएगी जैसे स्टिकर, ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो उसे नहीं खींच सकता। अब मैं आपको टू पोल्स के बारे में बताता हूँ। हर मैग्नेट्स की टू पोल्स होती हैं, उनकी ज़्यादा पावर उनकी पोल्स में होती है। उनकी पोल का नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ मिलाएंगे तो वह नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। थैंक्स।